हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। आई होप आपने लास्ट वाली क्लास जरूर देखी होगी जिसमें हमने बेसिक स्टार्ट किया था। सो आज उसी में आगे बढ़ते हैं और आज भी हम काम के कॉन्टिन्यूटी की ही बात करेंगे, बट आज हम पर्सन को बदल देते हैं। बदल क्यों देते हैं? आई होप को आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल जरूर याद होगा जब मैंने बोला था आपने किसी को कॉल किया और पूछा आर यू वॉचिंग टीवी, तो उसने मना कर दिया कि मैं टीवी नहीं देख रहा, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वो टीवी नहीं देख रहा, टीवी चल रहा है, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा जो टीवी देख रहा है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जब आप सामने वाले से किसी और सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे, वो सिंगल पर्सन कौन होगा? वो कोई नाम होगा उसका, रोहन, मोहन, सोहन, या फिर रिलेशन होगा आपकी मम्मी, आपका भाई, आपकी बहन, या फिर रिलेशन और नाम नहीं है तो वो ही या फिर शी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप यू से मीन्स सामने वाले व्यक्ति से किसी और एक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में देखो काम के चले होने की बात होगी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, चाहे आप किसी के लिए भी बात कीजिएगा, बट ध्यान रखिए रूल आपका बदल जाएगा जब आपका पर्सन बदलेगा। हमने पर्सन यहाँ पे बदल दिया, मैं यू से तो बात करूंगा, यू के बारे में नहीं करूंगा, किसी और सिंगल पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इन चार में से या तो रिलेशन है, या फिर नाम है, ही है, फिर या शी है, इन चार में से जब भी आप किसी की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, इज वहां पे लगाने वाले हैं आर की बजाय। आर से हम यू के लिए कर रहे थे, तो यहां पे इन चार में से किसी के बारे में बात करिए तो इज, उसके बाद इन चार में से कोई एक आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब मुझे लगा अगर ये टीवी नहीं देख रहा तो इसकी मम्मी टीवी देख रही होगी, तो मुझे यहां पर बात करनी पड़ेगी इज। अब आपकी मम्मी मीन्स वाई ओ यू आर, अब वाई ओ यू आर को क्या बोलते हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप वाई ओ यू आर को यूअर बोलते हैं, इट मीन्स दैट कि आपका स्पोकन इम्प्रेसिव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये यूअर नहीं होता है, ये योर होता है। यस ऑफ कोर्स योर, सो योर मदर। सो बात करेंगे यहाँ पे इज योर मदर, और उसके बाद टीवी देखना, वॉच टीवी, आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग, इज योर मदर वॉचिंग टीवी, क्या आपकी माताजी टीवी देख रही है। तो जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं वहां भी दो ही तरीके से रिप्लाई किया जाता, तो यहां भी वही होगा, या तो वो बताएगा कि मेरी मम्मी टीवी देख रही है, फिर वो मना करेगा कि मेरी मम्मी टीवी नहीं देख रही। अगर वो बताता है कि मेरी मम्मी टीवी देख रही है तो बात करेगा माय मदर, क्योंकि चार में से एक है, उसके बाद इज और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो माय मदर इज वॉचिंग टीवी। मना करेगा तो जैसे वहां एम के साथ नोट लगा था, यहां पे इज के साथ नोट लगाएंगे, पहले व्यक्ति, इज नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो माय मदर इज नॉट वॉचिंग टीवी, मेरी माताजी टीवी नहीं देख रही, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप किसी के साथ टहलने के लिए जा रहे थे और आपने देखा कि एक लड़का है जो उस रास्ते जा रहा है जिस रास्ते पर जिम है, तो मैंने पूछा क्या ये जिम जा रहा है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, रिलेशन नहीं पता, बट मुझे पता वो ही है, तो मैंने बात किया इज ही गोइंग टू जिम। अब जिससे मैंने पूछा वो बता सकता है ये जिम जा रहा है, ही इज गोइंग टू जिम, वो मना भी कर सकता है, ही इज नॉट गोइंग टू जिम, ये जिम नहीं जा रहा, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैंने देखा जो मेरी पड़ोसन है वो दूसरी पड़ोसन के साथ आपस में बातें कर रही है, तो मैंने इधर से पूछा अपनी माता जी से, मैंने पूछा क्या वो रजनी चुगली कर रही है। अब चुगली करना इंग्लिश में होता है टैटल, तो मैंने पूछा इज, अब नाम आ गया तो नाम रख देंगे, इज रजनी टैटलिंग, बता सकती है मेरी मम्मी की रजनी चुगली कर रही है, सो बोलेंगे यहां पे रजनी इज टैटलिंग, वो मना भी कर सकते हैं, नहीं बेटा रजनी चुगली नहीं कर रही, रजनी इज नॉट टैटलिंग, इस तरीके से हो सकता है। और कोई वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नोटबुक खोल के बैठा है और गर्दन ऐसे ऐसे करके जा रही है, अब मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा क्योंकि जो होठ हैं वो भी आपस में नहीं टकरा रहे, मींस लग नहीं रहा था कि वो कुछ कर रहा है, जस्ट वैसे ही मुझे लगा कि एक मोमेंट है जो उसके साथ है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, मैं उसकी मम्मी से जाके पूछ रहा हूँ, और मैंने पूछा क्या राजू पाठ याद कर रहा है। सो मैंने अब क्योंकि उसने बुक खोली थी, टेक्स्ट बुक थी, लेसन था उसके अंदर, अब याद करना लर्न होता है, तो मैंने उससे पूछा इज राजू लर्निंग द लेसन। अब उसकी मम्मी अगर हाँ बोलना चाहे तो बता सकती है राजू इज लर्निंग द लेसन, और उनकी मम्मी अगर मना करेगी तो बोल सकती है राजू इज नॉट लर्निंग द लेसन, राजू जो है वो लेसन याद नहीं कर रहा, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने बताया था कि इसको एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, मीन्स ये अनपढ़ है, ऐसा मान लेते हैं, ये तो नहीं बोला किसी ने अनपढ़ है, बट ये भी किसी ने नहीं बोला पढ़ा लिखा है,
और आप अपने दोस्त के घर गए और वो उसके दोस्त का मीन्स आपके जो दोस्त हैं उनके पिताजी हैं वो न्यूज़पेपर खोल के बैठे हैं, बट कमाल की बात है एक पेज पे काफ़ी लंबे टाइम तक हैं वो, और वो एक ही जगह स्टॉप हैं, ऐसे नहीं कि इधर उधर ऐसे करके जा रहा है। तो मैंने पूछा कि आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? अब न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने बात किया यहाँ पे, इज़ योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर? वो बता सकता है कि मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माई फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, और इलिटरेट है तो बोल सकते हैं नहीं पढ़ रहे क्योंकि फोटो ही देख रहे होंगे, सो माई फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसे करके हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक फैमिली में दो बच्चे हैं, तो ऐसा हो कि बड़े वाले से छोटे वाला मांग रहा है कि मुझे एक ग्रीन कलर दे दो, एक मुझे ब्राउन कलर दे दो, एक मुझे रेड कलर दे दो, और वो तीनों कलर लेके अपनी जो ड्राइंग सीट है उसके ऊपर कुछ बना रहा है। अब मुझे लगा कि तीन कलर अगर वो यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं तोता ही बना रहा होगा या फ्लावर बना रहा होगा, तो मैंने उसके भाई से पूछा, मैंने पूछा कि आपका भाई तोता बना रहा है? अब बनाना होता है ड्रॉ और तोता पैरट, सो बात करेंगे इज योर ब्रदर ड्रॉइंग अ पैरट? अब उसको अगर पता है तो बता देगा माय ब्रदर इज ड्रॉइंग अ पैरट, वो मना भी कर सकता है माय ब्रदर इज नॉट ड्रॉइंग अ पैरट। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं सामने वाले से किसी और एक सिंगल पर्सन के बारे में। सो ध्यान रखिएगा दो बेसिक रूल हमने डिस्कस किए हैं, सामने वाले से उसी के बारे में पूछेंगे तो आर यू, और सामने वाले से किसी और सिंगल पर्सन के बारे में पूछेंगे तो क्वेश्चन हमारा इज से होगा। आई होप इंटरेस्टिंग होगा, मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपको वो तरीका नहीं बता रहा हूं मैं जिस तरीके से हम स्पोकन नहीं सीख सकते, क्योंकि कोशिश आपने बहुत ज्यादा की होंगी। सो इट इज द सेकंड बेसिक रूल जो आपने आज सीखा है। सो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिएगा, अपकमिंग टाइम नेक्स्ट बेसिक रूल होगा, उसके बाद नेक्स्ट बेसिक रूल होगा, और यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने ही आपके रूल्स पे कमांड होती जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Have a nice time.